रायबरेली पुलिस एसओजी संयुक्त टीम को उस समय बड़ी सफलता मिली जब एक अंतर्राष्ट्रीय गांजा तस्करों के गिरोह पर सिकंजा कसते हुए 6 गांजा तस्करों के साथ लगभग 125 करोड़ का गांजा बरामद किया गया। गांजा एक ट्रक में लोड होकर आंध्र प्रदेश से लाया जा रहा था, जो उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में सप्लाई किया जाता है। मुखबिर की सूचना पर पकड़े गए गांजा तस्करों को आज अपर पुलिस अधीक्षक ने खुलासा करते हुए जेल भेज दिया। जी हां, आपको बता दें कि जनपद में लंबे समय से अवैध गांजे का कारोबार फल फूल रहा था और अवैध तस्करों की तलाश थी। भदौकर पुलिस व एसओजी की संयुक्त टीम ने मुखबिर की सूचना पर चेकिंग के दौरान मुंशीगंज तिराहे से एक ट्रक व स्कॉर्पियो सहित अंतर्राष्ट्रीय 6 तस्करों को दबोच लिया। ट्रक में 4 क्विंटल 75 किलो 550 ग्राम गांजा लदा था, जिसकी अनुमानित अंतर्राष्ट्रीय बाजार कीमत लगभग 125 करोड़ रुपए बताई जा रही है। गिरफ्तार किए गए अभियुक्त पंजाब, राजस्थान, बिहार जनपद के निवासी हैं। घटना में सबसे बड़ी बात देखने को मिली कि ट्रक के आगे चल रही स्कॉर्पियो, जो कि आगे होने वाली चेकिंग को बताती हुई चलती थी, लेकिन रायबरेली पुलिस की सतर्कता के चलते पुलिस को भाप नहीं पाई और पुलिस एसओजी ने वाहनों समेत 6 अभियुक्तों को दबोच लिया। देखिए मामले को लेकर क्या कुछ कहा अपर पुलिस अधीक्षक विश्वजीत श्रीवास्तव ने। सोनी, हाथ आ रहा सोनी, जिला रायबरेली की सोनू पीछे करो, द्वारा एक अच्छा गुड वर्क किया गया है, जिसमें एसओजी जो रायबरेली की है और थाना भदौकर की पुलिस, इनका एक संयुक्त अभियान था जिसे इनको मुंशीगंज और जो की ग्रुप है उसमें चेकिंग के दौरान इनको कुछ सूचना प्राप्त की और कुछ सर्विलांस की जानकारी और वहाँ पर इन्होंने एक ट्रक और एक स्कॉर्पियो बरामद की और उस ट्रक में 80 बंडलों में करीब 4 क्विंटल 75 किलो गांजा बरामद हुआ, जो कि बहुत ही उच्च कोटि का गांजा है और जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 100 करोड़ रुपये बताई और इसमें 6 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए, जिसे पूछताछ से पता चला कि एक अंतर्राज्यीय गिरोह है जो बिहार, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश के कई जिलों में कार्यरत है और जो आंध्र प्रदेश या बिहार से जो है वो गांजा लाकर यहाँ अलग अलग अन्य जिलों में बेचता है और इनकी कार्यप्रणाली कुछ इस तरीके है कि इनके आगे एक पायलट के रूप में स्कॉर्पियो चलती है और जो कि कहीं पुलिस की चेकिंग हो रही है या कोई और बात है तो पीछे जाके सूचना देती है, जिससे ट्रक रुक जाता है और वो लोग सतर्क हो जाते हैं, जब चेकिंग खत्म होती है फिर आगे। इस तरीके से ये 6 सदस्यों का बहुत बड़ा गैंग है, जिसका सरगना संजय सिंह है और इसमें स्कॉर्पियो और 4 क्विंटल 75 किलो गांजा और एक ट्रक बरामद की गई है। कप्तान साहब ने इस गुटबर पर इस पूरी टीम को 5,000 रुपये इनाम देने की घोषणा की। इस गिरोह में अभी भी कोई ऐसा है जो फरार चल रहा हो? इस गिरोह में अभी पूछताछ की जा रही है और इनके अन्य ठिकाने और इनके जो दूध के तार हैं इनको सबको जो है खंगाला जा रहा है और सीधी और भी कार्रवाई की। सर, माल कहाँ से कहाँ जा, ये जो अभी तक जो इन लोगों ने पूछताछ की बताई है कि ये बिहार से जो उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में जैसे रायबरेली है या कुछ अन्य जिले हैं उनमें लाया जा रहा था और इनको इसी दौरान आ रही है। सर, इसकी अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कीमत कितनी होगी? बता दी।